गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं इंटीग्रेशन के, और आज हमारे इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और वो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाउ वी कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये काफ़ी सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोगों ने सिंपली बेसिक इंटीग्रेशन सीखा, बट डिफ्रेंशिएशन की तरह हम लोगों ने u इंटू वी के डिफ्रेंशिएशन से u इंटू वी डी एक्स के इंटीग्रेशन हम लोगों ने नहीं सीखे। बट जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट हो या डिवीजन के फॉर्म में, उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। हाउ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैन बी यूज टू सॉल्व द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, एंड दैट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से द इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस व्हिच आर मल्टीप्लाइड दैट इज यू इनटू वी डीएक्स कैन बी सॉल्वड बाय यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस डीयू बाय डीएक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स का होल इंटीग्रेशन। देखने में कुछ समझ नहीं आया कुछ, लेकिन बात नहीं है, आना नहीं चाहिए पहले बार में, समझते हैं फिर से इसको। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है यू एक है वी, इसका पूरे का मल्टीप्लीकेशन में है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो u को हमने किनारे रख लिए और v को इंटीग्रेट कर दिया dx के साथ, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम रख लेंगे। माइनस u को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको फिर से हम इंटीग्रेट कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल यूज करेंगे, जिस रूल का नाम है लिएट। इस रूल को बोलते हैं लिएट। लिएट रूल क्या कहता है? तो लिएट रूल कहता है लॉगरिथमिक इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। डिफरेंशिएशन की तरह हम यहाँ पे सिंपली यू और वी को ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकते कि ये यू है और ये वी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसके लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम u किसको लेंगे, तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन रहा उसको लॉगरिथमिक नहीं रहा तो इनवर्स को, इनवर्स नहीं रहा तो अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। ये इसका ऑर्डर है फंक्शंस को हम लोग कंसिडर करने का। तो कैसे कंसिडर करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अब ये काम बिल्कुल नहीं करना कि एक्स को इंटीग्रेट करो साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना मानना पड़ेगा, तो हमको यू और वी को डिसाइड करना पड़ेगा कौन यू होगा कौन वी होगा। तो यूज करते हैं लिएट रूल। तो बाय द लिएट रूल अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में, यानी ये रूल सीखे ये यू हो गया ये वी हो गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? तो यू यानी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, सॉरी इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस यानी प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस और कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, ठीक है। और एक तो हम लोग एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं इसको समझने के लिए, तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx dx। ये क्या है अलजेब्रिक, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, फिर हमको देखना पड़ेगा अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, यानी x से की है हमारा रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे हम लोग v, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन x, x क्या है, x का हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा है 3। इंटीग्रेशन कहाँ गया, इंटीग्रेशन ऑफ u, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u का वैल्यू क्या है x, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस du by dx, x का डिफरेंशिएशन 1 into ex का इंटीग्रेशन ex dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा x ex माइनस इंटीग्रेशन क्या जाएगा अगेन ex प्लस, ठीक है। ये मैं सिंपल से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बेसिकली हमको इंटीग्रेशनल पार्ट्स कभी यूज नहीं पढ़ने वाला, हमको 12th के लास्ट के चैप्टर में इसका हमको यूज पढ़ने वाला है, इन द केस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स हमको बहुत लेट से यूज होगा, इसलिए हमको तभी तो इसको ध्यान रखिएगा किस तरह से हम लोग दो दो फंक्शन है उनको किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम के लिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरह से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ After that, we have to study another very important topic, and that important topic is known as definite integral. वो indefinite था, ये different integration है। Different integration क्या होता है? तो integration of f(x) dx. तो यहाँ पे लिमिट बचता है a, ये लिमिट कहते हैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रॉड है, तो हमारे पास एक रॉड है और इसको हम लोग ये हम लोग लेते हैं जीरो, x इक्वल टू जीरो, और ये लेते हैं इसका रॉड का लेंथ है l। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्ट पार्ट कट किया सपोज कीजिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू एल तक, इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल तक, तो ये लिमिट हम इसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, सो लेट अस आफ्टर द इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया वो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये हमारा वैल्यू आया इसको इंटीग्रेट करने के बाद। तो लिमिट यहाँ पर हम लिखेंगे ए नीचे, ऊपर लिखेंगे बी, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट यहाँ पर पुट होगा एफ ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए, इसमें कोई सी नहीं रहता है, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें नहीं आता है, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें एलिमिनेट रहता है जब हम लोग लिमिट पुट करते हैं। तो जब हमको इंटीग्रेट करना है डिफरेंट से, तो डिफरेंट से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए सब जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कैसे पुट कर सकते, एक बार अपर वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन के बाद, एक बार लोअर वैल्यू पुट करेंगे और बीच में क्या रहेगा माइनस, दैट इज द बेसिक यूज डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन हाउ वी कैन यूज इट, राइट। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन इंडिफरेंट इंटीग्रल, सो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, द लिमिट इज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ओके माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा माइनस पाई बाई टू नीचे प्लस पाई बाई टू ऊपर, ये ऊपर ये नीचे। अब क्या करेंगे, तो एक बार साइन अपर लिमिट, एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स के लिए, तो एक बार हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट टू माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, पाई
मतलब 180 डिग्री होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में से देखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस ऑफ साइन माइनस 90 यानी -1। तो ये क्या हो गया? तो जनरली जब हम लोग डिफरेंट इंटरवल करते हैं तो एक हमको पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वैल्यू पुट करते हैं एक्स का। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द डिफरेंट इंटीग्रल्स। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट इंटीग्रल। डिफरेंट इंटीग्रेशन के बेस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 3, 0 से 3 तक का इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या काम होगा? सबसे पहले इसको हम पार्ट 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 डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? एक ही बार पूरे को इंटीग्रेशन कर सकते हैं सीधे, तो प्लस बीच में करना है। तो ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो एक्स का पावर 3/3, एक्स पावर एन प्लस 1/n+1, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगा? तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट पुट करना, तो ए तो ए रहेगा, एक्स के जगह पे क्या होता है? एक्स के जगह पे 3 पुट करो, तो 3 का क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? सब में एक्स है, एक्स है, एक्स है, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि एक्स में है ही, सब में एक्स के ऊपर 0 पुट करना, तो 0 तो नहीं है। तो क्या गया? 3 का क्यूब यानी ए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 3 प्लस 9b/2 प्लस 3c। तो क्या हो गया? 9a प्लस 9b/2 प्लस 3c, दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। कैसे हमारा आंसर हो गया? तो जब भी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल करते हैं तो दो चीज हमको ध्यान रखनी है, एक हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलने वाला है, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिलेगा, वेरिएबल का वेरिएबल नहीं मिलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसका वैल्यू पुट करने वाले हैं। दूसरा हमको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम डिफरेंट इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल के बेस पे, ठीक है। तो डिफरेंट इंटीग्रल के बेस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ gmm/x² इंटू डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। कैपिटल जी क्या है? तो कैपिटल जी को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। कैपिटल एम क्या है? तो कैपिटल एम हमारा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉल एम दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है। एक्स स्क्वायर क्या है? तो दोनों मास के बीच का डिस्टेंस। बेसिकली ये क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ये। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये हम लोग 11th में आगे चल के सीखेंगे, सेकेंड बुक में, सेकेंड वॉल्यूम में हमारा ये टॉपिक आएगा। लेकिन कैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है ये हमको इसको इंटीग्रेट करने की बात आ रही है। हम क्या करना चाह रहे थे? हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो कैसे इसको? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होने वाला है? तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इसमें पहचाने कौन वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे डी एक्स दिया हुआ है यानी एक्स वेरिएबल है, जो कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग साइड कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट क्या है? तो कॉन्स्टेंट है जी, कॉन्स्टेंट है एम, कॉन्स्टेंट है एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स
बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। नाउ जी एम एम डेट कैन बी रिटन एज एक्स टू पावर माइनस टू डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, डेट कैन बी रिटन एज जी एम एम एक्स टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक, देखते जाइए देखते जाइए। डेट कैन बी रिटन एज जी एम एम एक्स टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इन्फिनिटी से माइनस वन बाहर कर दिए तो हो गया जी एम एम वन बाई एक्स। ठीक है, आर से लेके इन्फिनिटी माइनस बाहर कर दिया ऑलरेडी, अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या जाएगा माइनस जी एम एम अपर लिमिट वन बाई आर माइनस लोअर लिमिट वन बाई इन्फिनिटी। तो ये हो गया माइनस जी एम एम इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी। क्या होता है, कोई भी नंबर को, कोई भी पर्टिकुलर कोई नंबर है डिफिनेट वैल्यू है तो अदर देन जीरो, उसको अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या आने वाला है, तो जीरो हमको आने वाला है। यानी कोई भी एक नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो जीरो मिलेगा, जीरो मिलने वाला है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया माइनस जी एम एम। एक्चुअली इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ये निगेटिव आता है। ठीक है, बेसिकली हमारे यहाँ काम किया था तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पे यूज कर इंटीग्रेशन हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तो ये हमारे इंटीग्रेशन यूज किए, और ये जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि है जी एम एम बाई आर। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी। ठीक है, सो किस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक, तो कुछ और हम लोग इंटीग्रेशन देख लेते हैं एक छोटे एक दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन विद पार्ट का डिफरेंट इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन विद पार्ट्स का डिफरेंट इंटीग्रल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू पाई। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये हमारा एक इंटीग्रल हो गया, डिफरेंट इंटीग्रल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो फंक्शंस है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ये यू और ये वी हो गया फ्रॉम द लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रू। नाउ सो इफ वी रिमेम्बर, सो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स वाज गिवन एज यू इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल था। पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या जाएगा, कॉस एक्स माइनस। ठीक है, ध्यान देंगे, लिमिट नहीं भूलना है, लिमिट को रखना है जीरो से पाई। ठीक, माइनस डी बाई डी एक्स
वो क्या, टू एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टू एक्स प्लस वन का जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेके पाई भी है ना, ठीक। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, लिमिट जीरो से पाई, माइनस माइनस प्लस, टू एक्स कॉस पाई, लिमिट जीरो से पाई, ठीक। अब वैल्यू पुट करना है, तो माइनस पूरे में है तो इसको माइनस को बाहर ही रहते हैं, तो माइनस आ गया। अपर लिमिट तो क्या रहेगा, पाई स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस पाई, कॉस का अगर हम लोग ग्राफ थोड़ा सा ध्यान दें, अभी तो नहीं पढ़ेंगे फिर भी देखिएगा, पाई बाई टू, पाई थ्री, पाई बाई टू और टू पाई, तो किसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। जीरो पे क्रॉस मैक्सिमम होता है पाई पे, पाई बाई टू पे, अगेन जीरो होता है पाई पे, माइनस वन हो जाता है, तो कॉस पाई क्या होगी, कॉस पाई यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, जीरो यानी हो गया वन, और कॉस जीरो, कॉस जीरो इक्वल टू वन, ठीक है। ये हमारा इसका पूरा का वैल्यू हमने पुट कर दिया, इधर चलते हैं, प्लस टू पाई कॉस पाई इक्वल क्या है, माइनस वन, ये हो गया माइनस जीरो, ये जीरो हो गया, नीचे पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स को जीरो कर दिया हम लोग, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर प्लस वन कॉस पाई कर लू माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन, ठीक है, प्लस प्लस ये माइनस हो रहा है माइनस टू, ये हो गया। अब ये इस पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस पे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, यानी टोटल क्या क्या प्लस हो गया, यानी हो गया पाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पाई, तो ये हमारा वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर माइनस टू पाई प्लस वन। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द डिफिनिट इंटीग्रल। अभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बाकी है, और जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का होगा, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग को एक चीज़ आइडिया हो जाएगा कि पाई क्या होता है, टू पाई क्या होता है, ग्राफ्स कैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, टैन का ग्राफ कैसा होता है, ये हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ्स ट्रिग्नोमेट्री पर देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे, फिर हम कुछ बेसिक ग्राफ्स देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मूव करेंगे। अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन का था पार्ट था, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में भी पार्ट्स देख लिया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखने के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, तो हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रल देख लिया, किस तरह से डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग ने देख ली जो मैथमेटिक्स में जिनके हमको यूज होने वाला है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगला क्लास जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, मे बी अगला क्लास ट्रिग्नोमेट्री की जगह पे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैकेनिक्स। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का यूज होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब हम लोग अपना अगला क्लास लेंगे तो वहां पे हम लोग को बेसिकली क्या देखना है, तो हमको दो चीजें कम से कम ध्यान में लेके चलनी है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तीनों चीजें भूलनी ही नहीं है, ये चीजों का तो यूज होता ही रहेगा। तो दोनों चीजें हमें ध्यान में लेके चलेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे ही क्लासेस हम लोग स्टार्ट हो जाएंगी, जब हम मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हम लोग को वैसे ही भूलने नहीं देगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, वो लगातार हम लोग को आते रहेगा, तो वो लोग ध्यान देंगे कैसे हम लोग इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स की चीज़ें सीखते जाएंगे फिजिक्स के साथ साथ।
तो अभी हम लोग का ये यहीं पर हम लोग इसको रोकते हैं, और अगले क्लास से हम लोग अपना मेन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमको लगेगा कि हाँ हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। लेकिन फिजिक्स स्टार्ट होने के साथ साथ हम लोग के चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये फिजिक्स जो है 9th 10th की तरह आसान नहीं होने वाला है, जैसा आप लोगों ने पहले ही थोड़ा बहुत देख लिया है। लेकिन अब उसका रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा जब हम लोग को न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट होंगे, स्पीड के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, प्रोजेक्टाइल मोशंस के, वेक्टर्स के, जब ये सब टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, जब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट होगा, तब हम लोग मेन प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू करेंगे। अभी तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सिंपल से क्वेश्चन थे। तो हम लोग आगे चल के मेन क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। तो अब लोग प्रिपेयर होकर रहिए कि हम लोग मेन फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, और जो कि हमारा स्टार्ट होगा अब करके नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, प्रिपेयर करके रखिए अपन को नेक्स्ट क्लास के लिए सभी, और टेंशन नहीं लीजिए, फिजिक्स लिए हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा ही, इतना काम तो होने वाला नहीं था, आप लोगों को पता है। मेहनत करते रहिए, जहाँ कोई दिक्कत हो मुझे पूछिए, जहाँ कोई दिक्कत हो मुझे पूछिए, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम ऐसे ही साथ में रह जाएगा। तो हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।